हे गाइस, होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। आज जुड़े हुए हैं आप इस यूट्यूब चैनल के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हैं और खुश होंगे ना। चलिए, आज किस टॉपिक में बात करना है वो देख लेते हैं। आज का स्पेसिफिक टॉपिक है, हाउ मेनी यूनिट्स यू नीड टू टारगेट इन द सीएसआर। कई लोगों के पास ये सवाल आता है कि सर, हमें कितने यूनिट्स को टारगेट करना चाहिए सीएसआईआर नेट के लिए, अगर हम लाइफ साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। सवाल बनता है, लेके चलते हैं। कितने यूनिट्स होते हैं सीएसआर लाइफ साइंस में? लगभग लगभग 13 है ना, 13 यूनिट्स होते हैं। ये 13 यूनिट्स के साथ साथ एक यूनिट जो है वो एप्टीट्यूड का मत भूल जाइएगा एक्स्ट्रा, ठीक है? एप्टीट्यूड की तो भी यूनिट होती है ना ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 14th हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 14th। सवाल अब ये आता है कि इन 14th में से एक यूनिट है एप्टीट्यूड और ये 13th। इस चीज को जानने से पहले कि हाउ मेनी यूनिट्स वी नीड टू टारगेट, इस चीज को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अब कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस यूनिट से या क्या पैटर्न है। एक जनरल सा डेटा मैं आपको देने की कोशिश करूं, 2020 के नवंबर में जो एग्जाम हुआ था, लगभग यूनिट 2 से जो है 4 क्वेश्चन आए थे, लेकिन यूनिट 4 से लगभग लगभग जो है 19 क्वेश्चन आए थे मिला जुला के, ऐसा कुछ था एनालिसिस से पता चला था। बट ठीक है, अगर आप इसमें से दो चार कुछ अपने अपने पढ़ाने के अनुसार, कोई टीचर बोलेगा नहीं 4 नहीं 6 थे, कोई बोलेगा 19 नहीं ये 12 ही था 14 था, तो सबकी अपनी अपनी एनालिसिस है, मैं इस पर डिबेट नहीं करने वाला हूं। मेरा सीधा सा मतलब है कि वेटेज जो था, सीधा कंक्लूजन मतलब यह है कि वेटेज अब इक्विवेलेंट नहीं आता है, और कौन सी यूनिट ज्यादा आ जाएगी, कौन सी यूनिट कम आ जाएगी, इस पे चर्चा करना भी बड़ा ही सवाल है कि कौन सा। पहले होता था कि ये बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, पढ़ लो, ऐसा होता था, इंपॉर्टेंट यूनिट्स ब्ला 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 ब्ला। लेकिन अब इंपॉर्टेंट यूनिट जैसी कोई बात नहीं है, अब एवरी यूनिट इज इंपॉर्टेंट, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो या 13 हो, साथ में एप्टीट्यूड हो, एवरी यूनिट इज इंपॉर्टेंट एंड एवरी टॉपिक्स इज इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट। पिछले कुछ सालों का जो पैटर्न देखा जाए सीएसआईआर का, उससे ये पता चलता है कि सारे यूनिट्स इंपॉर्टेंट है और सारे टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट होने के पूरे पूरे जो है कंडीशंस अपने पास रखते हैं। सवाल ये आ जाता है कि जब ये कंडीशंस चल रहा है तो तब भी इनमें से क्या सारे यूनिट पढ़े सर? बिना सारा यूनिट पढ़े क्वालिफाई नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? अब ये देखो, अगेन वही कैपेबिलिटी की बात है। कुछ ऐसे लर्नर्स अभी भी मिलेंगे जो कहेंगे कि मैंने जो है 8 यूनिट पढ़ के क्वालिफाई कर लिया, कुछ जो है कहेंगे मैंने 10 यूनिट पढ़ के क्वालिफाई किया, कुछ कहेंगे कि मैंने 13 यूनिट पढ़ी तब क्वालिफाई किया। ये सबके अपने अपने परसेप्शन है, ये सबके अपने अपने तरीके हैं। अगेन वही बात है, कोई 110 मीटर का छक्का मार रहा है तो कोई सिर्फ 66 मीटर का छक्का मार रहा है, सबके अपने स्ट्रेंथ है ना। सिक्स तो दोनों ही है ना, क्वालिफाई तो सभी कर रहे हैं चाहे कितना भी पढ़ो। सवाल ये आता कि वो बेसिक लेवल क्या होना चाहिए कम से कम, तो ऐसा तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूं, लेकिन अगर मैं अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग बोलूं तो लगभग आप 10 यूनिट का अपने साथ रख के चले एप्टीट्यूड को छोड़ के। क्या बोला मैंने? मतलब 10 यूनिट को आउट ऑफ 13 अपने हाथ में कंट्रोल लेके चले, कि कभी किसी यूनिट से क्वेश्चन इधर उधर हुए तो भी आपसे बन जाए। ऐसा नहीं कि पता लगा किसी यूनिट से क्वेश्चन इधर उधर हो गया और ये बना ही नहीं, ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चंस जो हैं बनने चाहिए, और उसके बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? कुछ करना नहीं है, बस लगभग लगभग 10 यूनिट लेके चले। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ये भी सवाल आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसा अब कुछ रहा नहीं है, मैं एक बार फिर बता रहा हूं। अब ये 10 यूनिट कौन से होने चाहिए ये आपकी मर्जी है, ठीक है? कोई बोलेगा कि अच्छा यूनिट 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बोलेगा नहीं यूनिट 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बोलेगा नहीं यूनिट 5 और 6 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तो लगभग सभी से आते हैं, लेकिन कब किससे ज्यादा आ जाए ये पता नहीं होता ना। तो इनमें से जिस यूनिट्स को आप स्किप कर सकते हैं मैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर सकता हूं, करना ना करना बाकी आपकी मर्जी है।
स्किप करने का मतलब डाइवर्सिटी एक ऐसी यूनिट है जो थोड़ी सी क्रिटिकल होती है। क्रिटिकल का मतलब इसमें इंफॉर्मेशन जो होता है वो इतना ज्यादा होता है और सिर्फ रटने वाला इंफॉर्मेशन होता है, तो वो और उससे क्वेश्चंस बनते भी नहीं है अगर कहीं इधर उधर से आ जाए तो। ये यूनिट आप अगर स्किप करना चाहे तो कर ले, अगर करना चाहे तो। इसके साथ आता है यूनिट नंबर 12, ज्यादातर ट्रांसजेनिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये भी आप स्किप कर सकते हैं। एंड इस इनके अलावा जो एक यूनिट आप स्किप कर सकते हैं उनमें से 6 और 7 में से कर सकते हैं। अगर आप 7 पढ़ रहे हैं तो 6 भी, या दोनों भी पढ़ सकते हैं, मर्जी है। कुछ लोग जो है यूनिट 1 को स्किप करते हैं और कुछ लोग जो है यूनिट 13 को भी स्किप कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है ना, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करने वाले हैं और कौन सी यूनिट स्किप करने वाले हैं और कौन सी नहीं करने वाले हैं। 2-3 यूनिट स्किप जो कर सकते हैं, 9th 12th कर सकते हैं, लगभग 12 यूनिट हो जाएगा, और एक आध यूनिट आप अपने कन्वीनियंस पे स्किप कर सकते हैं। सो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो कितने यूनिट्स को टारगेट करना है, मैंने इसके ऊपर चर्चा किया। लगभग 10 यूनिट टारगेट करिए और एक यूनिट आपका एप्टीट्यूड होना ही चाहिए। नहीं, कई लोगों के मन में आता है कि अगर एप्टीट्यूड नहीं पढ़े तो क्या CSIR होगा, बिल्कुल हो सकता है। आपका टोटल कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाए बिना एप्टीट्यूड के भी, तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये रही पूरी कहानी, हाउ मेनी यूनिट्स यू नीड टू टारगेट। 10 यूनिट्स यू कैन टारगेट इन CSIR एग्जामिनेशन फॉर बेटर सिक्योरिटी एंड बेटर चांसेस फॉर क्वालिफिकेशन। बट आई रिकमेंड यूनिट्स की वजह से ना पढ़ने की बजाय टॉपिक वाइज पढ़े, क्योंकि हर यूनिट में हर टॉपिक हो सकता है आपको समझ में आए या ना आए। यहां पे अब इस चीज को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, यूनिट्स की बजाय क्या करें, टॉपिक्स पढ़े। ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप टारगेट करें एवरी यूनिट को, हर यूनिट पढ़े और उनमें से जो टॉपिक्स आपको समझ में आए, जो टॉपिक फ्रिक्वेंट लगे, उन टॉपिक्स को पढ़ते चले जाए। क्योंकि हो सकता है टेक्निक्स में आपको कभी मास स्पेक्ट्रोमेट्री समझ में ना आए, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सी एलिगेंस समझ में ना आए, तो बायोकेमिस्ट्री में जो है न्यूक्लिक एसिड समझ में ना आए, लेकिन बाकी टॉपिक तो आएंगे। अब उनके चक्कर में आप पूरा यूनिट छोड़ना कह सकते हैं बेवकूफी वाला स्टेप हो सकता है। इसलिए हमें यही करना होता है कि हम जो है वो हर एक यूनिट के जो आने वाले टॉपिक्स या जो हमें आते हैं, जिसको आप लर्न कर सकते हैं, उन टॉपिक्स को आप पढ़े, ठीक है। तो ये चीज आपके साथ हो सकती है, राइट। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी, और अगर मिली है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।